मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए न्यू रेसिपी के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम बनाएंगे रेड सॉस पास्ता, जो बहुत इजी है। आइए शुरू करते हैं। रेड सॉस पास्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम पास्ता को गर्म पानी में उबालेंगे। आप टीस्पून नमक डालेंगे, 1 टीस्पून ऑयल। पास्ता हो गया, इसे निकाल कर छान लेंगे। इसे ठंडे पानी से धुल लेंगे। रेड सॉस बनाने के लिए एक बर्तन में पानी रखें, इसमें 2 टमाटर डालें और 3 से 4 लाल मिर्च। इसे उबाल लेंगे। ये हो गया, आप इसे निकाल लेंगे। इसे ठंडा करके इसका छिलका निकाल लें। अब इसकी प्यूरी बना लें। एक पैन में 1 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे, 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालें और इसे फ्राई करें। अब इसमें कुछ कटा हुआ लहसुन की कलियां डालेंगे और इसे कुछ देर तक फ्राई करें। इसमें टमाटर प्यूरी डालें। इसे मिलाएं। इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालें, 1 टीस्पून मिक्स हर्ब। नमक स्वाद अनुसार। इसे तब तक मिलाते रहें जब तक ये थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। ये हो गया, अब इसमें पास्ता डालेंगे। ये तैयार है। इसमें चीज डालें।
और इसे सर्व करें। ये थी हमारी आज की रेसिपी, एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।